हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 74 हमें दे रखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, इस पूरे को मैंने एक टर्म मान लिया और इस पूरे को मैंने अलग टर्म मान लिया। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, जो भी साइन है इसका अपोजिट साइन लेके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो मैंने माइनस ले लिया, एंड अगेन यहाँ पर भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट माइनस में अंडर रूट 7। यहाँ पर जो साइन है प्लस का, तो मैंने यहाँ पर उसका रिवर्स साइन ले लिया। लेने के बाद नीचे तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, इस पूरे टर्म को मैंने ए मान लिया, ए प्लस बी, एंड यहाँ पे ए माइनस बी, पूरा जो ए ये बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऊपर वाले टर्म तो मेरी एज इट इज होगी, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। नीचे वाले टर्म देखो, ए की जगह आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर, और बी की जगह आ जाएगा मेरा अंडर रूट 7 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर इसमें दोबारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7। नीचे a की जगह आ जाएगा मेरा अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर, b की जगह आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर 2ab। a की जगह अंडर रूट 3, b की जगह अंडर रूट 5, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना है माइनस का 7। अब ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 3 और 5 कितने हुए 8 प्लस 3 5 15 माइनस का 7। इतना करने के बाद यहाँ हुआ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 15 लिख दिया मैंने एज इट इज़। और यहाँ पर देखो 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 1, बड़ा कौन है पॉजिटिव का, तो साइन आएगा मेरा पॉजिटिव का। अब इसे देखो अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको दोबारा से हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका, जो भी नंबर दे रखा है इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में रिवर्स साइन लेना है, 2 अंडर रूट 15 माइनस का 1, ठीक है। या प्लस हाँ तो दोनों तरफ माइनस माइनस लेके इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में किया था सेम वैसे ही होगा, एक बार तो ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इतना करने के बाद अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और इन दोनों को में तो फॉर्मूला लग ही जाएगा मेरा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने लिखा 2 अंडर रूट 15 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, माइनस 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 नेगेटिव अंडर रूट 7। नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा, ए की जगह मेरा 2 अंडर रूट 15 आएगा इसका होल स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई किसके साथ याद रखना, अंडर रूट वाला अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, विदाउट अंडर रूट वाला विदाउट अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। आगे कुछ नहीं है, 1 तो 2 1 ज़ा 2, 15 3 ज़ा 45, इसको इसके साथ 2, 15 को करेंगे 5 के साथ, 15 5 ज़ा 75, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 2, 15 को 7 के साथ किया 105, इसको माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो माइनस का अंडर रूट 3, माइनस 1 को इसके साथ किया माइनस का अंडर रूट 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 7। 2 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अंडर रूट 15 की पावर 1 है, इसकी पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 15 4 ज़ा कितना हुआ मेरा 60 माइनस का 1। जिनके फैक्टर हो रहे हैं उनके फैक्टर करेंगे, जैसे कि 45 है, ठीक है, इस 45 के फैक्टर करेंगे तो ये आया 15 3 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, जिसका पेयर बन जाएगा वो तो आ जाएगा बाहर, तो जैसे इसमें बाहर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5, ये रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 45 की जगह हो जाएगा 3 अंडर रूट में 5। इसी तरीके से 75 के फैक्टर करेंगे, 75 में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 2 ज़ा 6 1, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इनका पेयर बन गया तो 5 बाहर, इसका नहीं बन पाया तो ये अंदर रहेगा, यहाँ पे 2 5 अंडर रूट 5,
105 आ रहा है, ठीक है। इसके भी फैक्टर करते हैं, 3 का डिवाइड, 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ना 3 का पेयर बना ना 5 का ना 7 का, तो ये एज इट इज ही रहेगा। 2 अंडर रूट 105, माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का अंडर रूट 5, पॉजिटिव का अंडर रूट 7, माइनस किया कितना आया 59, कितना होने के बाद 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 5, 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट, सॉरी इनका पेयर बन गया तो 5 आया, तो ये अंडर रूट में 3 रहेगा, तो इसमें अंडर रूट में आएगा 3, 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 3, या माइनस 2 अंडर रूट 105, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, नीचे मेरा 59। अब देखो यहाँ 6 अंडर रूट 5 है, यहाँ माइनस का 1 अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 वाला अंडर रूट 5 वाले के साथ में प्लस या माइनस होगा, अंडर रूट 5 नहीं होगा, इनके आगे की जो कांस्टेंट टर्म है, देखो 6 में से एक माइनस करें कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ 10 अंडर रूट 3 है या माइनस का 1 अंडर रूट 3, तो 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा पॉजिटिव का 9 अंडर रूट 3, क्यों बड़ा कौन है पॉजिटिव का, तो साइन आएगा पॉजिटिव का, ये मेरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 105 और ये अंडर रूट 7, ये मेरा एज इट इज आ जाएगा, नीचे कितना बचा मेरा 55, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 प्लस 9 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 105 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में 59। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।